गाइस नुब्रा वैली से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे बहुत बड़ा सा सियाचिन वॉरियर लिखा हुआ है, तो अभी हम लोग वहीं पे रुके हुए फोटोग्राफ्स क्लिक करवाने के लिए। अगर फोटोज वगैरह देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी। और अभी एक यहाँ पे जबरदस्त चीज लिखी हुई है, ट्रैवल इज स्टिल द मोस्ट इंटेंस मोड ऑफ लर्निंग। क्या बात है। और यहाँ से जो अमेजिंग व्यू आ रहा है 360 व्यू, पूरा डिजर्ट है, अमेजिंग माउंटेन्स है और कहीं कहीं पे ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं, तो अगर आप आते हो यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे एटीपी वगैरह की राइड भी होती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हे गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 2 3 4 गाली गाली टुरुरु टुरुरु गोरे गोरे गाल टुरुरु टुरुरु दिखी नसरें टुरुरु टुरुरु करके भी तो देखा ना, चाल भी तो करके देखा है। देखा है तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। सो गाइस अभी हो रहा है फोटो सेशन यहाँ पे रोड पे बैठ के, जान को रिस्क में डाल के किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी सीनरी आ रही है, अपने आपको रोका नहीं जा सकता इस फ्रेम को कैप्चर करने से। अभी मैं पहुंच चुका हूँ किसके साइलों के ऊपर और यहाँ से अलग ही तरह की हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ यार ये सही लग रहा है, यहीं रुकते हैं। सो गाइस यहाँ पे नुब्रा वैली में हिमालयन डेजर्ट विला में हम अभी रुके हुए हैं और ये लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। एज यू कैन सी 360 व्यू आ रहा है यहाँ से। एक तो ये अमेजिंग माउंटेन है यहाँ पे, डेजर्ट माउंटेन, और इधर साइड से पूरी वैली दिख रही है और इनके छत में जाने का भी है और साथ में यहाँ पे डेजर्ट भी है, आप लोग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, साथ में कैमल राइड वगैरह भी यहाँ पे होती है। सो गाइस चलते चलते हम लोग पहुंच गए नुब्रा वैली और बाइक में सफर काफी अच्छा चल रहा है। चलो चलो अबे चलो आराम से आगे देख आगे। जो विला है वो कुछ ऐसा है, इकोनॉमिक प्राइस है और आप आके यहाँ रह सकते हो, खाना वगैरह भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है। नसीम भाई कहाँ से हो आप? मैं बिहार से। आप बिहार से यहाँ कैसे आ गए यार? बस यहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग हैं। अच्छा काम करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या ऑन एन एवरेज प्राइस क्या रहता है रूम्स का? रूम का ऐसी रूम रेट है 8,000। 8,000 बट थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो सकता है? यहाँ पे 2,200 तक का लास्ट, 2,500 दो बंदे का 2,500, खाना इंक्लूडेड रहता है। सो गाइस 2,500 में खाने के साथ, ट्रस्ट मी यहाँ पे जो लोकेशन है और जो रूम्स हैं, रूम मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिस रूम में हम रह रहे हैं उसके सामने से जो व्यू आ रहा है बहुत ही अमेजिंग व्यू है और सही है, मतलब आप चाहो तो आ सकते हो। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो नसीम भाई आपको एक डिस्काउंट भी देंगे। अच्छा भैया, सो गाइस हमारे होटल के जस्ट पीछे हंडर करके एक जगह है जहाँ पे सैंड ड्यून्स है और यहाँ पे कैमल सफारी वगैरह भी होती है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे एक ये लोग लोकल ड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसमें आप लोकल ड्रेस पहन के फोटो वगैरह खींच सकते हैं। एक ड्रेस का कितना लेते हैं? सो गाइस यहाँ पे एक लोकल ड्रेस पहन के आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं, 150 रुपये पर हेड के हिसाब से ये लोग लेते हैं। सो गाइस जो कैमल सफारी के रेट है यहाँ पे वो 15 मिनट के 300 हैं और आधे घंटे के 450 के आसपास हैं, तो अगर आप लोग आते हो कैमल सफारी करने के लिए तो ये यहाँ पे फिक्स रेट है, काउंटर पे इनका जो परमानेंट रेट रहता है वो लगा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं एटीपी का रेट पता करने, एटीपी की राइडिंग भी यहाँ पे होती है, लेट्स सी क्या हिसाब किताब है इनका। सो गाइस जो एटीपी का यहाँ पे रेट है वो 800 है, जिसमें आपको 3.5 किलोमीटर के अराउंड राइड देते हैं, उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ये जो छोटा सा जंगल है वहाँ तक गाइड ले जाता है और उसके बाद सैंड ड्यून्स आते हैं, सैंड ड्यून्स में से आप खुद राइड कर सकते हो, तो टोटल जो है वो 3.5 किलोमीटर ये लोग राइड करने देते हैं, उसका 800 रुपये कॉस्ट है। सो गाइस यहाँ पे छोटे छोटे ड्यून्स बने हुए हैं तो आप लोग आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है। और बाकी तो शाम हो गई, हम भी थोड़ी देर में निकलते हैं अपने होटल की ओर, लेकिन व्यू काफ़ी अमेजिंग है यहाँ से और कैमल सफारी और एटीपी राइड के अलावा तो कुछ खास है नहीं यहाँ पे और ड्यून्स इतने बड़े नहीं है, नॉर्मल ड्यून्स हैं। सो हाय गाइस, हाय एवरीवन, सो ऑलमोस्ट हम लोग हुंडर के पास ही हैं। सो अभी एक नियर बाय एक रेस्टोरेंट है, ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर टू दैट प्लेस। सो अभी हम लोग वहीं रुके हैं और यहाँ पे सारा का सारा फास्ट फूड अवेलेबल है।
इन केस इफ यू वांट टू ईट तो आप अच्छे से यहाँ पे सारा कुछ खा सकते हो। अच्छा हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड डे फ्रॉम द नुब्रा वैली। और आज हम लोग यहाँ जल्दी उठ गए हैं बिकॉज पहाड़ों में तो तुम्हें पता ही है जल्दी उठ जाते हैं, नींद जल्दी खुल जाती है बेसिकली। और आज का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से आज पेंगोंग लेक जाने वाले हैं और आज रात वहीं स्टे करेंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई हुई हैं प्रॉपर। जो भी खाना बन रहा है यहीं से तोड़ के खाना बनाया जा रहा है। और सबसे अमेजिंग चीज़ है कि यहीं पर सनराइज भी दिख रहा है सामने और अमेजिंग व्यू आ रहा है, एज यू कैन सी 360 व्यू है। सो गाइस, अभी हम लोग फ्रेश हो लेते हैं, फ्रेश होके आपको मिलते हैं सीधे ब्रेकफास्ट के टेबल पे और यहाँ से प्रस्थान करते हैं पेंगोंग लेक के लिए। गाइस हो गया ब्रेकफास्ट, कैसा था? बहुत बढ़िया। पराठे बढ़िया थे? गुड गुड। चाय? तो गाइस हम लोग हो गए रेडी और ब्रेकफास्ट के बाद एक और पावर नैप लिया, बहुत ही आलस आ रहा है आजकल। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधे यहाँ पे मॉनेस्ट्री जो है नुब्रा वैली की, वहाँ जाएंगे उसके बाद सीधे जाएंगे पेंगोंग लेक। सो गाइस एनर्जी लेवल कैसा है? यो ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है? ऑक्सीजन हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। नाइस। और यहाँ पे सबने रगड़ के नहा लिया बिकॉज पेंगोंग लेक में I don't think वहाँ पे नहा पाएंगे। And we are looking ahead for a great journey. भारत माता की जय। चले भैया। चलो सर। Okay bro bye. Okay भैया। Bye bye. So guys, this is the last petrol pump of India. Diskit में ये पेट्रोल पंप है जो कि इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से आपको पेट्रोल भराना होता है बिकॉज यहाँ से आगे आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा लेह तक का। यहाँ पे कितना 83 के आसपास का पेट्रोल है और इसके बाद आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलता है। तो जितने भी बाइकर्स वगैरह आते हैं तो यहाँ से पेट्रोल कैरी कर लेते हैं जर्किन्स में, तो मोस्टली यहाँ से सारी गाड़ियाँ फुल होके चलती हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए नुब्रा वैली में जो फेमस बुद्धा स्टैचू है वहां पे, और यहां से एक अमेजिंग व्यू आ रहा है नुब्रा वैली का, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी। और जो स्टैचू है वो भी मेरे पीछे है। सो गाइस जो आपने ये स्टैचू देखा बुद्धा स्टैचू, इसका इनॉग्रेशन अराउंड 2010 में हुआ था। और एक यहां पे मॉनेस्ट्री है जहां जो कि 13 सेंचुरी से भी पुरानी मॉनेस्ट्री मानी जाती है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता है बट कुछ लोगों ने यहां पे बताया कि 13 सेंचुरी से भी पुरानी है, यहां पे मॉन्क्स रहते हैं अभी भी और रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनके यहां पे। और एक यहाँ पे अमेजिंग ग्लेशियर का व्यू भी देखने को मिल रहा है। सो अगर आप यहाँ से देखें तो आपको नुब्रा वैली का एक व्यू देखने को मिलता है। अच्छा गाइस यहाँ से जो रास्ता कट रहा है दो रोड हैं, एक रोड जो राइट हैंड साइड को जा रही है वो खरदुंगला जाएगी और हम लेफ्ट को जाएंगे जो कि पेंगोंग लेक की साइड जाएगी। यस, ये हम जल्दी है पेंगोंग लेक की साइड को। सो गाइस जो भी गाड़ी पेंगोंग लेक जाती है उसके लिए परमिट चेक होता है और उसके लिए यहाँ पे ऑफिस है छोटा सा, यहाँ पे परमिट वगैरह चेक होता है। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं और यहाँ से अमेजिंग व्यूज भी आ रहे हैं तो आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और हम लोग जो कल लेह से यहाँ तक आए थे, लेह से बेटर जो रूट मुझे लगा यहाँ का लगा पेंगोंग का, बिकॉज जो सीनरी है वो काफ़ी अमेजिंग है और रोड भी काफ़ी अच्छी है और इतनी स्ट्रेट रोड है मतलब फुल दबा के गाड़ी चल रही है 100-120 और साथ साथ में इतनी अच्छी सीनरी है, रिवर व्यू है, तो ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ का रूट लगा पेंगोंग का। देखते हैं अभी थोड़ी देर में अभी लोग पेंगोंग पहुँचने वाले हैं उसके बाद वहाँ का प्लान कैसे करना है।
गाइस हमने यहाँ पे लंच किया है, एक रेस्टोरेंट है तो पेंगोंग लेक के से थोड़ा सा एक घंटा 40 किलोमीटर पहले एक रेस्टोरेंट है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट हमने यहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में किया है वहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा हॉट हॉट कैफे करके। एग्जैक्टली हॉट हॉट कैफे, हॉट हॉट क्या लिखा हुआ हॉट हॉट, इवन कि यहाँ पे हर जगह पे ये लिखा हुआ है कि यहीं पे 3 इडियट मूवी खाना करियर ने खाना खाया है। तो 3 इडियट मूवी की बिकॉज यहाँ पे शूटिंग हुई थी तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोट किया हुआ है, मतलब मूवी के नाम से होटल्स को प्रमोट किया हुआ है। मोस्टली जो भी पेंगोंग जाते हैं मोस्टली यहीं रुक के लंच वगैरह, हम लोग तो काफी लेट पहुंचे, स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, बाकी हम सीधे वहीं जाके करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे नज़ारे काफी अच्छे, काफी व्यू अच्छे, चारों ओर से ग्लेशियर के व्यू आ रहे हैं। आपको एक चीज और दिखाते हैं इंटरेस्टिंग सी, ये वो है रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने अभी लंच किया, और एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे दी थाली, जिसकी थाली खिसक गई है राइट साइड को। सो गाइस थोड़ा सा और आगे चलने के बाद यहाँ पर एक और चेक पोस्ट आता है जिसमें अपना हमें परमिट चेक करवाना होता है। तो ये है वो चेक पोस्ट जहाँ पे परमिट चेक होता है, तो हमारे जो ड्राइवर साहब है वो गए हैं परमिट लेके, और अभी यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता और है पेंगोंग लेक का। और आज हम लोग यहाँ जल्दी उठ गए, यहाँ से एक अमेजिंग सनसेट सन, ये तो मोदी बन रहा है। चलो भाई ठीक है, इसी में पूर्वांचल है वो। कौन सा जगह बताइए? सैगोई व्हाटएवर जो भी है। लेह तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा और तुर तुर तक भी नहीं, तुर तुर तक भी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली यार, लास्ट है।